फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से मैनेजर और कर्मचारियों ने मिलकर की 45 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मैनेजर सहित 3 आरोपी अब भी फरार हैं। फरार आरोपियों को दुर्ग पुलिस तलाश भी कर रही है। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन रीसेल के माध्यम से ऑर्डर किए महंगे सामानों जैसे मोबाइल, डिजिटल वॉच, डिजिटल कैमरा और महंगे लैपटॉप, साथ ही कई प्रकार के सामानों की फर्जी डिलीवरी दर्शाकर धमदा स्थित फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से 45 लाख रुपए की इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी के मामले में दुर्ग पुलिस ने अपराध दर्ज कर सामान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, अमर और अरविंद ने एक महीने पहले इस वेयर हाउस में काम इसी मंशा से शुरू किया था कि यहां गबन करेंगे। वहीं इस मामले में वेयर हाउस का मैनेजर जामुल निवासी अरविंद वर्मा और खुर्सीपार निवासी लोकेश साहू फरार बताए जा रहे हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की तलाश लगातार की भी जा रही है। अपने काम को अंजाम देने के लिए इनके द्वारा अपने पुराने परिचित कवर्धा में मीशो कवर्धा ब्रांच ऑनर दीपक साहू और मनीष दास से मिले और एक योजना बनाए कि धमदा क्षेत्र के विभिन्न लोगों के पतों पर महंगे महंगे विभिन्न प्रकार के सामान ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद सभी सामान जब धमदा स्थित इनके हब में आ जाएंगे तब सभी माल लेकर किसी सुरक्षित स्थान में ले जाकर सभी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे और जिसे विभिन्न दुकानों में बेचकर नगद कमाई कर ली जाएगी। फ्लिपकार्ट जो सर्विस देती है उसकी जो सब कंपनी है, जो लॉजिस्टिक कंपनी है, उनके द्वारा वहाँ धमदा में हब खोला गया था जिसके मैनेजर थे। उन्होंने सारे जितने भी अपने दोस्त यार हैं उनके थ्रू जब वहाँ COD की सर्विस स्टार्ट हो गई उस समय उन्होंने अपने दोस्त यारों को झूठ बोल करके कि सस्ते में मोबाइल मिल रही है, इसमें कुछ ऑफर आ रहा है, कुछ पैसे हम आपको दे देंगे, ऐसा बोल करके उनसे ऑर्डर करवाए। टोटल ऑर्डर इन्होंने करवाए 115 पैकेट जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, महंगी घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें थी। टोटल इनका वैल्यू होता है 45 लाख के आसपास का। जब इन्होंने पूरे ऑर्डर करवा लिए, जब ऑर्डर इनके हब में आ चुके तो ये इन्होंने क्या किया, सारे जितने भी ऑर्डर थे वो डिलीवरी के लिए लोग निकल गए ले करके कि हम डिलीवर करने जा रहे हैं। ले करके ये गए जो महिला आरोपी है उनके घर, वहाँ जाके एक ही जगह में सारे जितने आए थे 115 उसके सभी की डिलीवरी वहीं एक जगह पे है और वो सारे लेकर के वो फरार। उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, दीपक साहू, मनीष दास, मोनिका मौर्य, विकास साहू और अंकित परगनिया। 5 गिरफ्तार हैं, 3 फरार हैं। टोटल माल 45 लाख का था, हमने 41 लाख के आसपास की रिकवरी कर चुका। भांडा ये पता चल, जो उसके सब मैनेजर हैं उन्होंने सबसे पहले उनसे जब बात किया कैश ऑन डिलीवरी थे, वो कैश कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि कैश मेरे पास है, रात हो गया अभी नहीं ला सकता, कल लाऊंगा। जब उन्होंने बोला फिर उन्हें घुमाने लगा बार बार, फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जब वो हब में जाके देखे तो वहाँ ताला तो लगा था, उसके साथ एक एक्स्ट्रा ताला भी लगा था। जब वो ताला तोड़े तो अंदर देखे तो ना तो माल था ना तो कैश, उससे क्लियर हो गया कि ये लेकर के फरार। ये ऐसा है कि हमारा यहाँ पे हब जो स्टार्ट हुआ है, हब बोले तो मतलब जो हमारा जो डिलीवरी सेंटर है वो स्टार्ट हुआ है 4 मई को, और करीब 12 मई तक वहाँ पे सिर्फ प्रीपेड पार्सल आते थे, तब तक सारा काम सही से चल रहा था, कोई इशू नहीं था। 13 तारीख के बाद से जब से कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ, जो हमारे टीम का टीम लीडर था, जो हमारे यहाँ पे जो टीम लीडर था अमर मंडल ने अपने साथियों के साथ मिल करके कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर किया शिपमेंट को, और सारे शिपमेंट महंगे महंगे शिपमेंट थे, 40 से 50 हज़ार के बीच के शिपमेंट को ऑर्डर किया। उन ऑर्डरों को उसने करीब 49 लोगों के नाम से मंगाया और टोटल शिपमेंट थे 112, 49 लोगों के आईडी से मंगाया, तो एवरेज दो ढाई शिपमेंट पर ऑर्डर मंगाया एक आदमी के हिसाब से। इतने ऑर्डर आए, वो 21 तारीख को रात में, 13 तारीख से मंगाना शुरू किया और 21 तारीख के रात में उन सारे ऑर्डरों को आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गया डिलीवरी करने के लिए। रात को करीब 10 बजे के आसपास उसका कॉल आता है सुपरवाइज़र को, जो दूसरा लड़का काम करता है हब में, कि कैश मेरे पास कुछ 46 लाख रुपए हैं और मैं इस रात को नहीं आऊँगा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है, और तुम अपने सारे जितने भी डिलीवरीज़ के लिए गए हुए हैं शिपमेंट उनको क्लोज कर दो। उसने उसका रनशीट क्लोज कर दिया, जिस रनशीट के ऊपर लोड निकला था उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अगले दिन 12-1 बजे तक उसकी बात होती रही कि मैं आ रहा हूँ ऑफिस, आ रहा हूँ। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। रात को जब हमारे को ये कहानी पता चली, क्योंकि जब सुपरवाइज़र ने सबको कॉल करना शुरू किया तो वो कॉल मेरे पास भी आया, और जब पता चला कि वो
ऐसे ऐसे बंदे का फ़ोन स्विच ऑफ है और 46 लाख रुपए उसके पास है। हम एक्टिव हुए, हमने सबसे पहले उसके घर भेजा तो पता चला कि वो यहाँ से आया ही नहीं है, फरार है। तब हमारा शक और पुख्ता हो गया और फिर हम अगले दिन पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाने से पहले हमने पहले अपने हब को देखा तो हमारे हब में एक दूसरा ताला लगा हुआ था, हमारा अपना ताला के अलावा एक दूसरा ताला लगा हुआ था जो कि अमर मंडल ने लगाया था। और तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और हमने उस ताला को तोड़ा। तोड़ने के बाद हमने देखा कि अंदर में हमारा जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका हार्ड डिस्क एंड डीवीआर वो निकाल करके लेके भाग गया था। प्लस उसने अंदर में हमने रिकॉर्ड भी किया, सारा शिपमेंट मेंटेनर को मिलाया, कैश को मिलाया, पता चला कि उसने कैश भी 50,000 लेकर के भाग गया है। जब ये केस हमने पुलिस को बताया तो पुलिस के साथ फिर वो क्राइम ब्रांच में पहुंचा और फिर प्रभात कुमार सर के मदद से ये केसेस को सॉल्व किया। ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।